पिथौरागढ़ में रामलीला कमेटी के तत्वावधान में 5 दिवसीय 8वां महोत्सव का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन नगर के पित्रोटा क्षेत्र से राजा होटल केमू स्टेशन पुराना बाजार सिमलगैर होते हुए रामलीला मैदान तक माता गौरा की प्रतिमा की भव्य झांकी निकाली गई। छलिया नृत्य के साथ लोक प्रतिमा को मैदान में लाए, जहां विधि विधान से पंडित नीरज जोशी ने प्रतिमा की स्थापना करवाई। महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। झांकी में नगर के तमाम स्कूलों के बच्चे भी शामिल रहे। प्रतिमा की स्थापना के बाद खेल झोड़ा चांचरी आदि गायन किया गया। झांकी के लिए नगर में जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई थी। आयोजन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मेहरा ने बताया, सोमवार को खड़कोट से महेश्वर की प्रतिमा ढोल नगाड़ों के साथ रामलीला मैदान में लाई जाएगी। 8वां मेला जो 2009 से इस रामलीला मैदान में लगातार मनाया जा रहा है, ये 6 दिन का मेला इस बार यहाँ मनाया जा रहा है। इसके दिन जो पौराणिक हमारी तिथियाँ उसके हिसाब से निकलती हैं और बार के हिसाब से इसको सिलाया जाता है। इस वर्ष ये 25 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त को इसका समापन होगा और ये पारंपरिक मेला है हमारा, हमारे पिथौरागढ़ की सोर की ये प्रमुख संस्कृति है। इसमें पहले दिन पिथौरा गांव से गौरा मैया बना के रामलीला मैदान में लाई जाती हैं और विभिन्न शहर के मार्गों से होते हुए झांकी के रूप में रामलीला मैदान पहुँचती है। दूसरे दिन खड़कोट की महिलाओं द्वारा महेश्वर बाबा का निर्माण किया जाता है और ये भी झांकी के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान में गौरा और महेश्वर का स्थापित किया जाता है और 6 दिन तक लगातार खेल के पश्चात यहाँ 30 तारीख को इसका कालचिन मंदिर में विसर्जन किया जाएगा और इसी के साथ इसका समापन होगा। रविवार को आयोजन देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटी। पूरी जाए हरिया होलो यार बालो जूनो होलो अगर हरिया नो होलो तो समझे बालो हो गयो तो पूरी सरसियो जाजियो सरसियो हरियो जाजियो फिर ये थोड़ा पानी नॉल मिलता मदार को जी दूध हो दो बेरी पर ते अपन संतान है दूध पिलाई तो दूध धोल के पानी निकाल के नॉल बढ़े तो वो अगर नॉल बढ़े नंजिन हो तो नंजिन खेत लगना ना तो यो पकड़ से जो बात बा हम बात लो छाटो आटो जो बात लो तो बात पकड़ आता नंजिन हो नॉल उन बढ़े तब वो कोई मेरे चल जो ना था यो इस कहानी छाटो आटो तब बढ़ते अपना संतान के लिए नो आओ तब यो बढ़ते रखिए था। अभी जो हमारे कहा कुमाऊं में ये जो 7वां 8वां का पर्व मनाया जाता है उससे पहले जो 5 वो होते हैं अनाज उनको भिगाया जाता है। माना जाता है कि जो गौरा माता है वो मायके आई हुई है और उसके बाद शंकर जी जो हैं उनको लेने आते हैं तो आज 7वां का पर्व है तो आज गौरा माँ हमारे साथ है तो कल 8वां का त्यौहार है तो उसमें जो है शंकर जी आएंगे उनको महेश्वर का रूप माना जाता है तो आज सभी महिलाएँ जो है व्रत रखती हैं 2 दिन का और माना इससे जो है हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामलीला मैदान के साथ ही सोर घाटी के विभिन्न गांव में आज गौरा महेश्वर पर्व की धूम मची रही। गांव में देर रात तक खेल लगाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल गंगोली हाट आएंगे। वह ब्यालपाटा मैदान में चल रहे कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का समापन करेंगे। इससे पूर्व महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। विकास खंड सभागार में वे भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी रविवार को गंगोली हाट पहुंची। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरपी नेथानी, तहसीलदार राजेंद्र गोस्वामी आदि मौजूद रहे। रविवार को नगर के विभिन्न स्कूलों में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया।
गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में प्रबंधक रमेश जोशी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों को जन्माष्टमी और सातु आठों की बधाई दी। स्कूली बच्चों ने झांकियों के माध्यम से कृष्ण रासलीला, कृष्ण के विभिन्न स्वरूप, माखन चोर, लीला नृत्य आदि को दर्शाया। उप प्रधानाचार्य हेमलता अवस्थी ने सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आइडियल पब्लिक स्कूल जाजरदेवल में भी जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों के बीच मेहंदी प्रतियोगिता कराई गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर रमन सेठी ने सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। नगर के प्रसिद्ध संजीवनी हॉस्पिटल में अब गंगाराम अस्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर निलय राठी की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उपलब्ध सुविधाएं एवं ट्रीटमेंट नाक कान व गले की एंडोस्कोपी, साइनोसाइटिस, थायराइड डिसऑर्डर, वटाइगो का ट्रीटमेंट, नाक कान व गले में एलर्जी, मुंह के कैंसर की जांच आज ही संपर्क करें। संजीवनी हॉस्पिटल, धारचूला रोड, पंडा पिथौरागढ़। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पिथौरागढ़ 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन करेगा। संचालकों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कलाकार भगवान कृष्ण और राधा के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले क्षेत्र में झांकी निकाली जाएगी। ब्रह्मज्ञानी संत प्रवचन करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका वेबकास्ट भी किया जाएगा, जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के YouTube चैनल पर शाम 7:30 बजे से 12 बजे तक देखा जा सकेगा। मुंसियारी विकास खंड के बंगापानी तहसील के मदरमा गांव में कल रात हुई भारी बारिश व अतिवृष्टि से मक्के व धान की फसल बर्बाद हो गई। ग्राम प्रधान उमेश धामी ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन को पत्र भेजकर क्षति का आकलन करते हुए काश्तकारों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। काश्तकारों के द्वारा जो खेतों में फसल उगाई गई थी, जैसे धान है, मड़ुआ है या फिर मक्का है, उनको काफी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही जो बागानों में फलदार वृक्ष लगाए गए थे, नारंगी, माल्टा या फिर लीची है, तो इन सभी पेड़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मैं शासन और प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक की टीम को गांव में भेजा जाए और प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। पिथौरागढ़ नगर के GIC सुकौली मोटर मार्ग में रामकृष्ण मिशन आश्रम के समीप लोगों ने कूड़े का ढेर लगा दिया है। सड़क पर बिखरा पड़ा कूड़ा इस क्षेत्र में स्थित आश्रम और बौद्ध टेंपल आने वाले लोगों को खासा परेशान कर रहा है। क्षेत्र के लोग भी सड़क में जमा कूड़े को लेकर खासे चिंतित है। कई बार कूड़ा हटाए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। नगर के चंडाक रोड क्षेत्र में स्थित वरदानी मंदिर पार्क के पास फिर कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। पार्क के आसपास लोगों ने प्लास्टिक की खाली बोतल, जंक फूड आदि के रैपरों का ढेर लगा दिया है। इससे इस खूबसूरत स्थल की खूबसूरती पर ग्रहण लग रहा है। क्षेत्र में आने वाले तमाम लोगों ने पार्क के आसपास कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई है। कोतवाल सतवीर बिष्ट ने बताया, पार्क के आसपास कूड़ा फैलाने वालों पर मिशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया, दुकानदारों के पास कूड़ादान न होने पर उनके चालान किए जाएंगे। पूर्व सैनिकों को CSD ब्रिगेड कैंटीन से शराब का आधा ही कोटा मिलने पर पूर्व सैनिक राजेश भट्ट ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शराब का कोटा 24 से 25 तारीख के बाद मिल रहा है। ब्रिगेड कैंटीन में करीब 1000 कार्ड धारक हैं। इस बार भी पूर्व सैनिकों को आधा ही कोटा दिया गया। प्रबंधक से पूछे जाने पर बताया गया कि पूरा कोटा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या बार बार आ रही है। उन्होंने इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए
न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें, साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।